सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए नया अपडेट लेके आया हूँ जो कि है आईटीआई के डिटेल को मॉडिफाई करने के संबंध में। क्योंकि जो लास्ट कल का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डीजीटी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सभी आईटीआई अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर, जिसके लिए पूरा एक महीने का समय दिया गया है। उसके लिए नियमावली जो है एक पीडीएफ फाइल में उन्होंने भेजा है कैसे कैसे आपको अपडेट करना है। तो उस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसा इंटरफेस होगा, किस लिंक पे जाके आपको अपडेट करना होगा, और जैसे ही खोलेंगे ओपन करेंगे अगर उस पेज को तो वहां पे क्या क्या ऑप्शन आपके सामने एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों डीजीटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट आईटीआई वाले हैं चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हैं, सभी को एक बार प्रोफाइल अपडेशन के लिए मौका दिया जा रहा है, जिसमें वो अपने आईटीआई के प्रिंसिपल की डिटेल, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल, अपना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को अपडेट करना है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल को अपडेट करना है, चेयरपर्सन के डिटेल को अपडेट करना है, मान सारी चीजें वहां पे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है और कब तक डेट है, डेट भी मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, तो उसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ। एक महीने का पूरा समय दिया गया है, 20 तारीख को लेटर जारी किया गया है, 20 मार्च 2023 को लेटर जारी किया गया है, एक महीने का समय दिया गया है, मतलब 20 अप्रैल 2023 से पहले पहले आप लोगों को अपना आईटीआई प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर। और उसके बाद उसके बीच में भी अगर आपका अपडेट नहीं हो पाता है, प्रोफाइल अगर आप अपडेट नहीं करते हैं, तो फिर भविष्य में इस लिंक को दोबारा नहीं खोला जाएगा, ऐसा डीजीटी का कहना है। तो अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए, उसमें सारी चीजें लेटर में क्या लिखा है हर एक चीज को मैंने पूरा विस्तार से आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपने एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर आईटीआई के प्रोफाइल को अपडेट करते समय। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पे जो मॉड्यूल है इसमें मॉडिफाई आईटीआई डिटेल के नाम से आपका लिंक आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के लॉग इन पेज पे चले जाना है। यहाँ पे लॉग इन विथ अपने क्रिएटर आईडी से लॉग इन करना है, उसके बाद आपके मोबाइल पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वो एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा, लॉग इन पेज होता है। उसके बाद आपको जाना है मेनू में। ठीक है, मेनू में जाने के बाद आईटीआई पे चले जाना है। आईटीआई पे जाने के बाद उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन में आना है। एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन में आपको यहाँ मॉडिफाई आईटीआई का मिलेगा, उसके नीचे मॉडिफाई आईटीआई डिटेल्स का लिंक मिलेगा, ये देखिए येलो से हाईलाइट है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुल के आएगा जिसमें आपको सारी डिटेल को अपडेट करना है। और एक चीज और मैं बता दूं, जो स्टार मार्क है, रेड स्टार मार्क जिन भी फील्ड्स में है वो सारा कंपलसरी फील्ड है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं, सारे फील्ड्स को भरना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं। आईटीआई डिटेल्स में देख लीजिए, यूजर कैन
चेंज वेबसाइट यूआरएल, अपने आईटीआई की वेबसाइट का यूआरएल चेंज कर सकता है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फोटोग्राफ विथ जियो टैगिंग लोकेशन, आपको अपने आईटीआई की जियो टैगिंग लोकेशन वाली फोटो को इसमें अपलोड करना है। वेरीफाइड रिमार्क्स आपको अपलोड करना है, अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं, अगर कोई इसमें स्पेलिंग त्रुटि वगैरह है वो आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चला कहीं और हैं दूसरी जगह का एड्रेस डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अप्लीकेबल नहीं होगा उसमें। कॉन्टैक्ट ईमेल आप चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर सकते हैं, वो भी आईटीआई फील्ड्स में, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हेड डिटेल में आपको क्या भरना है, ऑर्गेनाइजेशन हेड डिटेल आपको भरना है। यूजर कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन टाइप द पर्सन ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में जो आप पर्सन का नाम भरेंगे, चेयर पर्सन का नाम भरेंगे, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसके ईमेल को चेंज कर सकते हैं, उसके मोबाइल को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डिटेल में प्रिंसिपल डिटेल आपको अपडेट करनी है यूजर, और उसके बाद आप प्रिंसिपल की डिटेल को आप चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है केवल। उसके बाद सीओई डिटेल, जो जिन आईटीआई के पास सीओई है तो वो अपना भर सकते हैं, नहीं तो उसको नो पे करके आपको आगे बढ़ जाना है। और उसके बाद स्टेप टू में आपको आफ्टर मॉडिफाइंग आईटीआई डिटेल यूजर नीड्स टू चेक डिक्लेरेशन बॉक्स एंड क्लिक द अपडेट बटन, यही जो मैंने आपको बताया था नीचे कि यहाँ पे आपको आई हर्बल डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद अपडेट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया आपने डिटेल जो भी उसमें पूछा गया, जो जो यूजर चेंज कर सकते हैं, मतलब आईटीआई के यूजर चेंज कर सकते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी चीज डिसेबल्ड होगी जो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको सीधे आ जाना है अप्रूवल मॉड्यूल में, उसके लिए आपको NCVTMIS पोर्टल के लॉगिन पे आ जाना है, अप्रूवल आईडी से लॉगिन करना है, सेम प्रक्रिया है, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस से जाना है आपको मेनू पे जाना है, आईटीआई पे जाना है, एडमिनिस्ट्रेटर सेक्शन में यहाँ पे अप्रूव आईटीआई डिटेल में अप्रूव आईटीआई डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह का आपके सामने पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप दो चीज कर सकते हैं, अगर आपने सारी डिटेल सही सही भर दी है आप उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करेंगे, अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उसको मिला लेंगे, ठीक है, और अगर कहीं त्रुटि है तो आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक करके रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद फिर से क्रिएटर पोर्टल में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल आपकी सही है तो उसके बाद सीधे आपको अप्रूव पे क्लिक कर देना है और आपके सामने सक्सेसफुली सेव का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटेल था कैसे आपको अपडेट करना है, ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी। और अभी तक आईटीआई लॉगिन पे लिंक अवेलेबल नहीं कराया गया है डीजीटी के द्वारा, आज 22 तारीख हो गई है, हो सकता है दो एक दिन में लिंक अपडेट मिल जाएगा आप लोगों के लॉगिन पे दिखाने लगेगा, उसके बाद ये प्रक्रिया फॉलो करके आप अपने आईटीआई के प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कोई क्वेरी है कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।